असल को व्यूवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैर खैरियत से जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद करते रहें। और मैं बना रही हूँ अभी आलू की माँ, और अभी मैं आई थी घर देख के, तो घर मुझे मिल गया तो शुक्र है खुदा का। तो एक दो दिन में मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ ये बात शेयर करूँ। और अभी मैं जा रही हूँ कीमा आलू बनाने। और जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजम करें और 10 लोगों में मेरा चैनल शेयर करें। तो चलिए मैं अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ और आपको इसके साथ शेयर करती हूँ। जी व्यूअर्स, हम बना रहे हैं आलू कीमा। मैंने लिए 2 अदद प्याज दरमियाने और 2 चमचे मैंने कुकिंग ऑयल के लिए, और इसमें मैंने प्याज ब्राउन कर रही हूँ। और ये इनके घर में गैस तो नहीं है, लेकिन ये लोग सिलेंडर पे खाना बनाते हैं। ये मेरे छोटे बेटे का घर है। यहाँ पे हमने कीमा धो के रख ली है, और प्याज ब्राउन होंगे तो फिर हम कीमा डाल देंगे इसके अंदर। प्याज ब्राउन होंगे तो फिर हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरह कीमे को भूनेंगे। जी प्याज हो गए ब्राउन, और हम इसमें डालेंगे कीमा। जी बस हमने कीमा इसमें डाल दिया और उसको हम अच्छी तरह भुनेंगे इसी ऑयल में। और यहाँ पर हमने अदरक लहसुन भी पीस के रखा हुआ है, और इसमें तकरीबन 3 इंच अदरक का टुकड़ा है, 8 लहसुन के जवे हैं और 6 हरी मिर्ची। ये तमाम चीज़ें हमने एक साथ पीस के रख ली हैं। जी मैंने इसमें अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया है, और हम तीनों चीज़ों को एक साथ भुनेंगे ताकि अच्छी तरह भुनाई में आ जाए और इसकी बिल्कुल भी कीमे की महक निकल जाती है जो इसमें आती है। जी यहाँ पे हमारा कीमा हो गया फ्राई, और अब हम इसमें डालने लगे हैं टमाटर। ये मैंने 3 अदरक टमाटर ले लिए, और 1.5 चम्मच मैंने टीस्पून का लाल मिर्ची का डाला है, और 1.5 ही मैंने साबुत धनिया का डाला है, और 1 चमचा टीस्पून मैंने नमक का डाला है, और 4/4 हिस्सा मैंने इसका डाला है हल्दी का। तो बस ये ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें, बस यही मसाले मैंने डाले हैं आज। तो बस कीमा हो गया, उसके बाद हम ये टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। और ये उसके बच्चे हैं नौटी, हाँ जो मस्तियाँ कर रहे हैं, वो देखो ये बड़ा वाला है और वो छोटी वाली है। क्या कर रही है? बोलो काकी नहीं करो। जी बस कीमा हमारा हो गया, बुनाई में आ गया, और अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू ऐड करेंगे। जी बस हमने आलू डाल दिए, और उसके बाद हम इसको खूब भुनाई करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम इसको आलू, ताकि उसमें गल जाए। जी बस तो फाइनली हमारा हो गया है तैयार आलू कीमा। बस थोड़ा सा पानी डाल के और हल्की सी ग्रेवी बनाऊंगी इसमें, ताकि अच्छे थोड़ा सा आलू गल जाए जिसमें। जी बस हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया, और जब जैसे ही आलू हमारे गल जाएंगे और थोड़ा सा पानी भी सूख जाएगा, तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। जी बस हमने इसको अब ढक दिया। जी बस फाइनली हमारा खाना हो गया तैयार, ये देखिए। और अभी हम जा रहे हैं अंदर। हेलो जी व्यूवर्स, फाइनली हमारा खाना हो गया तैयार, और मैं आ गई थी अंदर। तो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और दुआ में याद करते रहें। तो आज मैंने आपके साथ आलू कीमे की रेसिपी शेयर की, और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट लाजम करिए, और 10 लोगों में मेरा चैनल शेयर करें। और जो जो मेरे व्लॉग नए देखने वाले हैं, वो भी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, और दुआ में याद करते रहें। अल्लाह हाफिज़।